हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो हमने लिया है एक्सरसाइज 7B से, क्लास 8 की बुक है फ्रेंड्स, मैथ्स की, RS अग्रवाल की, फैक्टराइजेशन चैप्टर 7 से। फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 7y² माइनस 19y माइनस 6, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 7y² माइनस 19y माइनस 6, तो एज वी नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7 × 6। अब 7 को तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 7 ही लिखेंगे, इंटू में 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। फ्रेंड्स, अब ये 7 × 2 × 3 ये फैक्टर्स को हमें यूज़ करके इस तरह से इसे हमें अरेंज करना है कि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 19 मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 × 3 अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 21, एंड रिमेनिंग बच गया यहाँ पे 2। तो अगर माइनस 21 और प्लस 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस 19, जो कि हमें चाहिए। हमारे दो फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस 21 और प्लस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमने फैक्टर्स को फाइंड कर लिया है। ये सबसे मेन प्रोसेस होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, फैक्टर्स को फाइंड करना। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 7y² एज इट इज़ रहेगा, माइनस 19y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 21y प्लस 2y। ठीक है, सेम आ जाएगा माइनस 19y और माइनस 6 एज इट इज़ है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 7y, रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे, y, यहाँ पे माइनस 3। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट टू टर्म्स हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2। इस तरह से फ्रेंड्स हमें लास्ट टू टर्म्स कॉमन लेना है, सेम जो कॉमन है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, y, यहाँ पे हो गया माइनस 3। ओके, अब y माइनस 3 हमने पूरी इक्वेशन में से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे, 7y और यहाँ पे प्लस का 2। और फ्रेंड्स, ये हो जाता है इस तरीके से हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कंप्लीट सॉल्यूशन, इस तरह से हमने काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।